डिप्रेशन, निराशा, अवसाद, नैराश्य, इससे दूर कैसे रहे, इसके लिए घरेलू उपचार क्या है, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। बड़े बड़े लोग डिप्रेशन से, मतलब डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित हुए थे, है दीपिका पडुकोण है, सुशांत सिंह राजपूत है, काफी सारे नाम मैं लूंगा नहीं, मगर काफी सारे लोग ऐसे कि जिनको कभी ना कभी डिप्रेशन हुआ था या हुआ है। और डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, मूड स्विंग्स हमारे होते रहते हैं, ऊपर नीचे हमारा मूड होते रहता है, कभी हम डिप्रेस रहते हैं, कभी आनंदित खुश रहते हैं, कभी हैप्पी रहते हैं। मगर डिप्रेशन यदि कंटिन्यूसली 15 दिन तक है, कंटिन्यूसली है, तो फिर उसके लिए दवाई की जरूरत पड़ेगी। मगर डिप्रेशन ऐसा है, उदासीनता है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप ऐसे 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगा, वो 5 टिप्स, ये 5 घरेलू उपचार आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। नंबर 1, लोगों के संपर्क में रहो। जब भी आपको निराशा आती है, उदासीनता लगता है, तो उस समय आपने लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए, दोस्तों में जाना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए, सोशल होना चाहिए। कोई पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, तो आप लोगों से मिलते हैं तो आपको अच्छा लगता है। कुछ ऐसे उसमें के लोग होना चाहिए कि जो आपके बहुत करीब के है, बहुत ही नजदीक के है, कि जिनके साथ में आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अपने मन की भावना जो है वो बोल सकते हैं, वेंटिलेट कर सकते हैं। ऐसे उसमें के लोग रहे तो मन जब हल्का हो जाता है, भावना जब व्यक्त हो जाती है, तो आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिल सकती है। तो डिप्रेशन से मुक्ति मिलने के लिए लोगों से मिलना जुलना, भावना व्यक्त करना, ये बहुत जरूरी है। और आप यदि अपनी बीमारी लोगों को बताते हैं, अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ खुला कर देते हैं, बोल देते हैं सब कुछ, तो आपको अच्छा लगता है। जब आप लोगों से मिलते जुलते हैं तो क्या होता है कि केमिकल्स जो है ब्रेन के, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, इनका स्त्राव होता है, इनका सिक्रीशन होता है। और वो जब सिक्रीशन होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो डिप्रेस जब आप रहते हैं तो वो मात्रा कम हो जाती है। सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और एंडोर्फिन्स, ये 4 फील गुड हॉर्मोन्स हैं। और लोगों से आप मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा मात्रा में उसका स्त्राव होता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, मैं बात करूँगा दूसरा, सेकंड पॉइंट है कि आपने एक्सरसाइज करना है। 30 से 40 मिनट आपने एक्सरसाइज करना है रोज। और आप जब एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है कि एंडोर्फिन का सिक्रीशन अच्छा होता है, अच्छी मात्रा में होता है। और वो यदि कम हो गया होगा तो वो भरपाई कर लेता है, और एक फील गुड अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने के बाद में, थोड़ा सा डोपामिन सिक्रीशन भी हो जाता है, और उसमें आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिल सकती है। तो 30-40 मिनट की एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज ऐसी होना है कि उसमें आपका हार्ट रेट जो है, मतलब पल्स, वो 1.5 गुना होना चाहिए। मतलब नॉर्मली आपका 80 है तो आपका 120 होना चाहिए, वो जो 30 मिनट रहते हैं वो 30 मिनट के टाइम में। तो इतनी एक्सरसाइज आप करते तो आप फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और आपको डिप्रेशन जो है वहां से मुक्ति मिलेगी। एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज से एंडोर्फिन का सिक्रीशन होता है, और उससे केमिकल इंबैलेंस जो है वो बैलेंस हो जाता है। थर्ड पॉइंट है निरोगी आहार। आपका आहार यदि अच्छा रहा तो आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। क्या होता है कि आहार हम बैलेंस लेते नहीं है, जैसे कि हम यदि आहार में कैफीन, कॉफी जो है, चॉकलेट, ये जो है ये ज्यादा मात्रा में लेते हैं, वैसे ही शक्कर, मतलब मीठी चीज खाना, तो इसमें जो है वो ब्रेन इतना सतेज नहीं रहता जितना चीज खाने से होता है, कमजोर हो जाता है। क्या होता है कि शक्कर या क्रॉनिक पॉइजन बोला जाता है, कोई भी मीठी चीज जो हम खा रहे हैं क्रॉनिक पॉइजन है। टोबैको, तंबाकू, शराब, ये चीजें जो है, ये चीजें आपको विटामिन का सप्लाई अंदर जाना रोक देती है, क्योंकि आप शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं, आपको भूख कम लगती है, खाना कम जाता है, और वहां से आपकी विटामिन जो है बॉडी के कम हो जाते हैं। विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, ये जो है ये अधिक मात्रा में होना जरूरी है, और वो शरीर को जब कम मिलती है तो डिप्रेशन आता है। तो हरी सब्जियां खाना, सलाद बहुत ज्यादा खाना, विटामिन B12, Omega-3 फैटी एसिड जो है वो फिश में ज्यादा रहता है, तो फिश यदि नॉन वेज आप है तो प्रोटीन्स, पनीर वो ज्यादा खाना, ये बहुत जरूरी है। वो आप खाते हैं तो आपका जो डिप्रेशन है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें, मतलब निरोगी आहार लेते हैं आप तो आपका डोपामिन सिक्रीशन जो है, वैसे एंडोर्फिन सिक्रीशन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये चारों हार्मोन्स का सिक्रीशन अच्छी मात्रा में हो जाएगा यदि आप तंदुरुस्त है तो, और डिप्रेशन से आपको मुक्ति मिलेगी।
चौथा पॉइंट जो है वो है कि आपने सनलाइट लेना जरूरी है, सूर्य प्रकाश, उसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा रहता है। कम से कम 10 मिनट सूर्य प्रकाश आपने लेना है। क्या होता है कि विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और सूर्य प्रकाश आप 10 मिनट रोज लेते हैं तो उससे आपको डिप्रेशन से बहुत हल्का फील हो जाएगा, अच्छा लगेगा। पांचवा जो है कि जो नकारात्मक बातें हम बार 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 दोहराते रहते हैं वो दोहराना बंद करना है। अब इसमें नकारात्मक बातें जो पास में हो चुकी है उसका क्या करेंगे? जो पास में हुआ है वो हुआ, उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते आज। मगर हम यदि पास में ऐसा नहीं होना चाहता, वैसा नहीं होना चाहता, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, अतीत में रहते जाएंगे तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा आता रहता है। तो हमने क्या करना है कि बीइंग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट, चलो जो हो गया वो हो गया, अभी आज क्या कर सकते, अभी हमने कौन सी एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन लेनी है, और अभी सोचना है कि अभी मैं क्या करूं, क्योंकि अभी आप जो करेंगे उससे फ्यूचर क्रिएट होने वाला है। तो बीइंग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट, आप हॉबीज आपकी अच्छी डेवलप कर सकते हैं, जो हॉबी में आपको इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं, उससे डिप्रेशन कम होता है। फिर ग्रुप गेम्स खेल सकते हैं और इससे आपको डिप्रेशन में काफ़ी सारी राहत मिल सकती है। तो ये जो पांच पॉइंट है, पांच टिप्स मैंने आपको बताई, वो पांच टिप्स काफ़ी स्टडीज के बाद में वहाँ से निकाली हुई है। इसका इस्तेमाल करो, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। मगर यदि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, जैसे बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में नींद नहीं आती है, बिल्कुल नींद गायब हो चुकी है, सुबह खराब लगता है कभी कभी कुछ डिप्रेशन में, या सुबह अच्छा लगता है और शाम को खराब लगता है कुछ डिप्रेशन में, तो कैसा भी मूड यदि खराब है आपका और वो स्विंग हो रहा है सुबह शाम, तो उसको दवाई की जरूरत है। सुसाइड के विचार आ रहे, होपलेसनेस है, निराशा है, कोई आशा ही लगती नहीं है, हलचल करना भी मुश्किल लग रहा है, भूख निकल गई है, और बाकी कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली दवा लेना जरूरी है। एंटी डिप्रेशन आप लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, 10-15 दिन में, 20 दिन में आपको अच्छा फायदा दिखेगा। यदि बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट है, सुसाइडल अटेम्प्ट किया हुआ है, तो कभी कभी शॉक ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है, और शॉक ट्रीटमेंट देने से भी बहुत ज़्यादा फायदा और जल्द हो जाता है। यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सभी लोगों को शेयर करो। क्यों? क्योंकि आबादी में, पॉपुलेशन में 10-15% लोगों को डिप्रेशन है आज, उनसे डेफिनेटली उनको फायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।